हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल निमरेसी मैथ्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.11 का पार्ट टू। पार्ट वन में ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, क्या प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में एक प्रॉपर्टी बच रही थी, दैट इज प्रॉपर्टी 7, तो हम वही डिस्कस करने वाले और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप आई बटन में प्रेस करेंगे तो आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। P7 प्रॉपर्टी थी, इफ लिमिट इज फ्रॉम -a टू a fx dx है, तो उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल थी। या तो ये होती थी ट्वाइस ऑफ 0 टू a, मतलब जो a यहां वेरी कर रहा है उसी का 0 टू a fx dx होता था, अगर f इवन फंक्शन होता था। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर x की जगह -x हम पुट कर देते हैं तो भी हमें f ऑफ x ही मिल जाए, तो वो फंक्शन होता है हमारा इवन फंक्शन। और हमें जीरो मिलती थी वो वैल्यू डायरेक्ट ही अगर एफ होता था हमारा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, व्हेन हम एक्स को -x पुट करते हैं तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है, मींस माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11। तो क्वेश्चन है -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिले ना, माइनस ऑफ समथिंग टू समथिंग, मतलब वो वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, तो आपको याद रखना है कि आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है हर हाल में। तो पहला स्टेप होता है हमारा ये चेक करना कि इधर फंक्शन इज इवन और ऑड। तो फंक्शन को चेक करेंगे तो फंक्शन हम निकालेंगे क्या है हमारा, देखिए एफ ऑफ एक्स है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और हमने करना क्या होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना होता है। तो एक्स की जगह आ गया माइनस एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, जिसे हम साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर बोलते हैं, राइट। यानी कि मैं इसे ये भी कह सकती थी ना, साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम जानते हैं, इलेवेंथ में भी पढ़ा है हमने और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ये बात आई थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, मींस माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया और इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस टू टाइम मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाता है। तो ये आपके पास साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा, जिसे हम साइन ऑफ स्क्वायर एक्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, एंगल का स्क्वायर नहीं करते हम कभी भी, एंगल का स्क्वायर होता तो सिर्फ एंगल के ऊपर होता, राइट। साइन एक्स का स्क्वायर हम कहें या साइन स्क्वायर एक्स कहें, एक ही बात होती है। तो आप ध्यान देंगे, यही तो हमारा एफ एक्स था, मींस मैंने जब एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिला। आपको एग्जाम में करके दिखाना होगा, ओके। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, और जब इवन फंक्शन होता था तो क्या वैल्यू होती थी, टू बाहर आ जाता था और लिमिट हो जाती थी हमारी 0 टू a। a यहां पे क्या है, π/2 एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्सरसाइज 7.2 में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस 2x का, जो कि था 1 - cos 2x/2। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहां पुट करेंगे 0 to π/2, 1/2 में अलग से लिख लू, -cos 2x/2 अलग से लिख लेती हूँ। ये हो गया हमारा dx। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिखूंगी, 2 तो बाहर है ही मेरा, अब लिमिट अलग अलग लगा रही हूं मैं, 1/2 dx माइनस 0 to π/2 cos 2x/2 dx, राइट। अब देखिए 1/2 1 × 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा x होता है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका अंदर 1/2 x, तो x/2 और लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2। आप चाहें तो 2 को बाहर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, वो ज्यादा इजी रहेगा, 2 हट जाएगा। ये हमने 2 कॉमन लिया पहले, 1/2 बाहर आया हमारा यहां से, ठीक है, ये 1/2 बाहर आया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सिर्फ हमारे पास cos 2x बच रहा है, जिसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास sin 2x/2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2, कॉफिशियंट ऑफ एक्स आता है अपॉन में, ध्यान रखेंगे। अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 - 0 माइनस साइन ऑफ 2 × π/2/2 माइनस साइन ऑफ 2 × 0/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन ऑफ पाई क्या होता है हमारा, 0 होता है, एंड साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, तो ये होल टर्म तो आपकी 0 बन गई, एंड π/2 - 0 अगेन π/2, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2। क्लियर है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन आपकी बुक का ही है। एफ ऑफ एक्स यहां है आपका, देखो sin की पावर 7x, अगेन एफ ऑफ माइनस एक्स हमने पुट करा तो ये हो गया sin की पावर 7 ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन थीटा की होल पावर एक्स। अब माइनस की पावर वहां पे इवन थी तो पॉजिटिव आ गई, लेकिन यहां पावर है ऑड, जब माइनस को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा
और ये साइन ऑफ 7x हो जाएगा. मीन्स मैं ये वैल्यू जो है ये एफ ऑफ एक्स है और बाहर एक माइनस का साइन आ गया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया. देयरफोर एफ इज एन ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन होता है तो क्या था हमारा आंसर, जीरो. ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर जीरो लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, लिमिट वही माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, तो अलग अलग चेक करेंगे. मैं आप इसको चेक करके दिखा देती हूँ. मैंने जब इसको माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ना अलग अलग मान लेते, इसको एफ वन एक्स कह देते हैं, इसको एफ टू एक्स कह देते हैं एक्स कॉस एक्स को, एफ थ्री एक्स को हम कह देते हैं 10 की पावर 5 एक्स. अब वन तो एक्स का फंक्शन ही नहीं है तो उसे हम चेक नहीं करेंगे. नाउ एफ वन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स ही आएगा ऑब्वियसली, जब माइनस एक्स पुट कर एक्स की जगह तो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, क्या था हमारे एफ वन एक्स, तो ये यानी कि जो आपका एफ वन है ये हो गया ऑड फंक्शन. सिमिलरली अब जब एफ टू ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स पुट कर दो, तो माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स. अब आप जानते ही कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये पूरा क्या है आपका एफ टू एक्स, बाहर माइनस का साइन, तो ये भी आपका क्या हो गया, एफ टू इज ऑड फंक्शन. ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, एफ थ्री ऑफ माइनस एक्स अगेन क्या है आपकी ऑड पावर है, तो ऑब्वियसली माइनस ही आने वाला है, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस टेन थीटा होता है, माइनस की पावर जब ऑड करेंगे बिल्कुल इसकी तरह जो साइन सेवन वाला करा था ना उसकी तरह हम करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ थ्री एक्स. देयरफोर आप कह सकते हैं कि आपका एफ थ्री भी कैसा फंक्शन आ गया है, ऑड फंक्शन. जब ये तीनों ही ऑड है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, ये हमें यही स्टेप पे लिखना चाहिए था, माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू एक्स क्यूब डी एक्स. ठीक है, प्लस माइनस पाई बाय टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू टेन की पावर फाइव एक्स डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू वन डी एक्स. देयरफोर जो ये वाला इंटीग्रल था, फर्स्ट वाला जीरो, सेकंड वाला भी जीरो एंड थर्ड वाला भी जीरो. अब बचा सिर्फ आपके पास ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वन डी एक्स. अब ये तो जीरो खत्म ही हो गया, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स. ठीक है, अब x इंटीग्रेशन होता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, x की लिमिट हम लगाने वाले हैं पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है, माइनस ऑफ पाई बाय टू, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू आपका कितना हो जाएगा, पाई. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20. नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और था इसी से रिलेटेड, मैंने इस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के कवर कर दिए हैं, अभी ध्यान से देखेंगे. एग्जाम्पल 33 है ऑन पेज नंबर 33 नहीं था 344 था आई थिंक, एक बार चेक कर लेंगे, गलती से लिख गया है. तो एफ ऑफ एक्स इसमें क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से, 9 की पावर 5 एक्स इंटू कॉस की पावर 4 एक्स. पुट किया हमने एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो गया साइन ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 4 माइनस एक्स. अब हम जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसकी पावर 5. कॉस ऑफ माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. माइनस की पावर जब ऑड पावर से बाहर आती है तो माइनस बाहर आ जाता है, और ये सारा आपका एज इट इज रह जाएगा. मींस जो आपका फंक्शन है ये वाला एफ एक्स था, तो ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स. देयरफोर जो एफ है आपका, या एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, एक ऑड फंक्शन. और ऑड फंक्शन है, देयरफोर जो ये इंटीग्रल था ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो. सो योर फाइनल आंसर इज जीरो. इसी के साथ इस प्रॉपर्टीज रिलेटेड एंड सारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म. अगर कोई क्वेश्चन बच गया है, कोई डाउट है आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए. तो तब तक डिवाइस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तब तक कीप वॉचिंग, बाय बाय.